हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर इन द रिवीजन सीरीज। और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई एग्री। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, बट अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी अगर हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, बट आई टेल यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपने ऑलरेडी पीजीबीपी आई एम एज्यूमिंग कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, और अब हम लोग इसका रिविजन कर रहे हैं, डिटेल रिविजन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीजीबीपी में जो सेक्शंस आते हैं वो 28 से लेकर 44 तक होते हैं, राइट। 28 से पहले हम हाउस प्रॉपर्टी की बातें करते हैं, 27 तक डीम्ड ओनरशिप के कंसेप्ट आते हैं। फिर जो नेक्स्ट आगे के सेक्शन आते हैं 44 के बाद 45, फिर हमारा नेक्स्ट हेड कैपिटल गेन शुरू हो जाता है 45 से। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 28 से लेकर 44 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपको बताने के लिए कि हमारा पीजीबीपी का कंटेंट क्या है, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपके सारे सेक्शन यहाँ पर लिख दिए हैं, करेक्ट। और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ये सेक्शन, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ सेक्शन हमारे किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करते होंगे, दूसरे पर्टिकुलर सेक्शंस हमारे किस टॉपिक से रिलेट करते होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको डिवाइड कर दिया है कि आपको एक ओवरव्यू, एक बर्ड आई व्यू मिल जाए कि हम लोग पीजीबीपी में क्या कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करें फिर। तो सेक्शन 28 होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। अभी मैं डिटेल में इन सबकी बातें करूंगा, बट राइट नाउ हम सिर्फ इसका एक कंटेंट का ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इसको, तो मैं अभी आपको फुल स्क्रीन भी कर दूंगा, तब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं हमें सेक्शन 28 के बारे में बता होना चाहिए, जो बताता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी कि कब हमारी इनकम पीजीबीपी की इनकम कहलाई जाएगी। कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम सीधा हम पीजीबीपी में ले जाते हैं, दैट इज टोल्ड बाय द सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन 28। 29 अगेन अ सिंपल सेक्शन जो बताता है कि हम पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास पीजीबीपी का क्वेश्चन आता है तो हम अपने पीजीबीपी की इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं, दैट इज 29 सेक्शन, करेक्ट। फिर सेक्शंस आते हैं 30 से लेकर 37 तक। ये जो सेट है पूरा 30 से लेकर 37 तक का, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये बताता है कि कौन कौन सी डिडक्शंस हमें पीजीबीपी में मिलेंगी। कौन कौन से, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं पीजीबीपी में, ये बातें हमारे सेक्शन 30 से लेकर 37 तक लिखी हुई हैं। तो हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे सेक्शन 30 से लेकर 37। इसमें कुछ सेक्शन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 32 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, 35 साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होता है, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस रिलेटेड होता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस की हम बातें करेंगे। तो जब हम सेक्शन 30 से लेकर 37 तक की बातें कर रहे होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि दीज सेक्शंस आर रिलेटेड टू दैट पार्ट, जो एक्सपेंसेस, जो डिडक्शंस अलाउड होती हैं पीजीबीपी में, गॉट इट। फिर 38 एक छोटा सा सेक्शन आता है, वो बोलता है प्रोपोर्शनल डिडक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्सपेंस किया, लेट से आपने किसी बिल्डिंग का रेंट पे किया, और वो बिल्डिंग आप बिजनेस के साइड बाय साइड किसी और पर्पस के लिए भी यूज करते थे, तो अब हम आपको जो पूरा का पूरा जो आप रेंट पे करते हैं, हम आपकी उसकी 100% डिडक्शन नहीं देंगे, फिर हम उसकी प्रोपोर्शनल डिडक्शन देंगे जितना रिलेटेड है बिजनेस से। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। अगर हमने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जो बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए भी था और अदर पर्पस के लिए था, तो वाइल कैलकुलेटिंग आर पीजीबीपी इनकम हम सिर्फ उतना ही एक्सपेंस लेंगे जितना पीजीबीपी से रिलेटेड होता है, वो सेक्शन 38 बोलता है। सिंपल सा सेक्शन है, छोटा सा स्वीट सा सेक्शन है 38। ओके, तो जब हम इतना पोर्शन खत्म कर लेंगे मेनली 30 से 37 एंड 38, उसके बाद हमारे कुछ सेक्शंस आते हैं, वो कहते हैं डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड। स्पेसिफिकली हमारे इस चैप्टर में कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगी। ये देखिए, अभी जो हम लोग बातें कर रहे थे 30 से लेकर 37 तक की, वहां पर मैं बोल रहा था कि दीज डिडक्शंस आर अलाउड, ऐसे भी सेक्शंस हैं, बट दूसरे तरह के सेक्शंस हैं कि डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड। तो ऐसे कुछ सेक्शन हैं जैसे 40 स्मॉल ए में लिखा हुआ है कुछ डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, जैसे कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, रॉयल्टी पे की है, फीस पे करी है आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग TDS, इस तरह की बातें होंगी, तो वो हम बातें करेंगे डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड। तो ऐसे कौन कौन से सेक्शन, एक तो 40 स्मॉल ए सेक्शन है, दूसरा है 40A2 और 40A3। 40A2 बातें करते हैं कि अगर आपने किसी अपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट की है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है वो हम देखेंगे उस सेक्शन में, अगर आपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट की और वो एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, ज़्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो जितनी वो एक्सेस है, अनरीजनेबल है, हम उतना डिसअलाउ कर देते हैं, वो 40A2 बोलते हैं।
43 बोलते हैं कि अगर आपने एक दिन में सिंगल डे में सिंगल पार्टी को 10,000 रुपीज से ज्यादा की पेमेंट कर दी है कैश में बेरर चेक से क्रॉस चेक से, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैंकिंग पेमेंट से अलाउ करते हैं या फिर अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट वगैरह ही अलाउ करते हैं। कैश पेमेंट हम लोग अगर करनी है तो 10,000 से ज्यादा मत करना, 10,000 से ज्यादा कर दी तो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे सेक्शन की बातें कर रहे हैं कि हम ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम अलाउ नहीं करते हैं, तो इसका एक अलग अपना सेट आ जाता है। 43 भी कहता है कि सम एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, वहां पे लिस्ट है कुछ एक्सपेंसेस की कि हम इसको तभी अलाउ करेंगे जब आपने इसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया हो अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अगर आपने इसका एक्चुअल पेमेंट नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई फिर हम इसको अलाउ नहीं करते। मतलब सिर्फ पेमेंट बेसिस पर अलाउड होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड। एसएससी कैसे भी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हो ये हम देखेंगे, एक छोटा सेक्शन 145 आता है वहां पर। ठीक है, तो जब हम ये सेक्शंस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड, राइट। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं फटाफट। 28 चार्जिंग सेक्शन है, 29 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी है, फिर हम 30 से लेकर 37 तक वो एक्सपेंसेस डिडक्शंस पढ़ते हैं कि विच आर अलाउड, फिर हम कुछ ऐसे सेक्शंस पढ़ते हैं जो डिडक्शन स्पेसिफिकली पीजीबीपी में अलाउड नहीं है, राइट। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे सेक्शन 41 डीम्ड बिजनेस इनकम का आ जाएगा, 43(1) एक्चुअल कॉस्ट के बारे में, छोटा सा सेक्शन है एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताता है। फिर 40(b) रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम अपने पार्टनर्स को कितना अमाउंट तक रेमुनरेशन पे कर सकते हैं, 40(b) बताता है। 40AA और 40AB होता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का, और AB होता है टैक्स ऑडिट का कि हमें हमारे SSC को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट कब आ जाती है। तो ये कुछ मिसलेनियस सेक्शंस हो जाते हैं, करेक्ट। इन सेक्शंस के बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना ये अदर मिसलेनियस है तो छोड़ दें, नहीं जी नहीं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ईजी है सब कुछ। प्रिजम्प्टिव इनकम के भी सेक्शंस आते हैं, जैसे 44AD, 44AE, 44ADA, 44ADA है प्रोफेशनल वालों को मिलता है, 44AE जो लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में डील करते हैं उन लोगों के लिए 44AE प्रिजम्प्टिव इनकम कैसे निकालते हैं, तो ये प्रेजम्प्टिव इनकम वाले सेक्शन हमें आने चाहिए। और लास्ट होता है एग्रीकल्चर इनकम का, ऑल्दो ये आपकी स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में दिया होता है, बट मैं इसको पीजीबीपी के साथ ही हम लोग करेंगे इसको, तो मैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी यहाँ पर ही डिस्कस करूंगा। तो देखिए बस इतना सा तो है पीजीबीपी, तो आपको ये सबसे पहले तो ये अपना रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं और लगभग वो सेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता होनी चाहिए बात, करेक्ट। तो आई बिलीव ये आपको आराम से चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होंगी, अभी हम इसका रिवीजन करना शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसका अगर स्क्रीनशॉट का या तो लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप इसको कर सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर, ठीक है, यहां पर ले सकते हैं। ओके, मैं चेंज कर रहा हूं, हेयर, चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। सेक्शन 28, अच्छा बुक आपके पास ऑलरेडी है, मैं काफी बार बता चुका हूँ कि आप लोग आराम से, ठीक है, सब पता चल गया होगा कहाँ से मिलेगी आपको बुक, वेबसाइट से मिल जाएगी, डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा तो वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन बुक कॉम्प्रिहेंसिव है, सारी चीजें इसमें कवर्ड है, राइट, ओके। और बहुत जल्दी आप इसको, बहुत ज्यादा एडवांटेज है इसकी, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको किसी लेक्चर में ये भी बताया था पहले कि अगर आप इसका प्रिंटआउट निकलवाना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, बट अगर यस, अगर प्रिंटआउट निकलवाना चाहें इट विल हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज़ और सो, आप प्लीज इसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए। अगर आपको लगता है सॉफ्ट कॉपी से काम चल सकता है तो सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलाइए, बट रिकमेंडेड है प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 28, दैट इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। तो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन कुछ हमें पॉइंट्स बताता है कि अगर एसएससी की इस तरह की इनकम हो रही है तो वो हमेशा पीजीबीपी की इनकम ही कहलाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर एसएससी कोई भी बिजनेस कर रहा है, कैसा भी बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, वेदर ही इज कैरिंग आउट एनी बिजनेस एनी प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये जरूरी नहीं है कि वो पूरे साल बिजनेस करे, अगर वो इस प्रीवियस ईयर में, हमारा प्रीवियस ईयर फॉर आर 2024 एग्जामिनेशन, यू अंडरस्टैंड दिस इज प्रीवियस ईयर 23-24, तो अगर एसएससी किसी भी दिन यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, लेट से पूरे साल कर रहा है या फिर कुछ महीने कर रहा है, इवन अगर कुछ दिन भी कर रहा है, इवन अगर सिंगल डे भी उसने बिजनेस या प्रोफेशन किया, तो ऐसी इनकम पीजीबीपी की इनकम होगी। एंड दैट बिजनेस और दैट प्रोफेशन कैन बी एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन, इंक्लूडिंग अगर उसका इल्लीगल बिजनेस भी है,
तो ऐसी इनकम भी पीजीवीपी की इनकम ही होती है, राइट। सेकेंड होता है जो हमें गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिल जाते हैं। अब ये जो गिफ्ट्स और परक्यूजिट्स की बातें हमने सैलरी चैप्टर में भी की थी, बट वो गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स आपको किससे मिल रहे थे? अपने एम्प्लॉयर से, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करते समय जॉब कर रहे हैं आप, तब आपको गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से, वो तो सैलरी इनकम होती है। बट इनकेस अगर आपको गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस या प्रोफेशन, आपको गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स दे सकते हैं आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स या आपके इवन आपके सप्लायर्स, तो वो इनकम हमारी पीजीबीपी की इनकम होती है। लेट से फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, उसका प्रोफेशन है, वो अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है, उससे फीस लेता है, और फीस के साथ साथ वो इतनी अच्छे से केस लड़ता है उसका कि उसका क्लाइंट काफ़ी खुश है, वो उसको गिफ्ट दे देता है एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द फीस। तो जो उसको गिफ्ट मिलता है, परक्यूजिट मिला है, दैट वुड बी योर पीजीबीपी इनकम। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई कंपनसेशन रिसीव होती है, किस बात की कंपनसेशन है? कोई हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और उसको टर्मिनेट की वजह से आपको कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो कंपनसेशन भी टैक्सेबल होता है एज पीजीबीपी। या उसके टर्म्स और कंडीशंस जो उस कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं, उस मॉडिफिकेशन की वजह से अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो भी इनकम हमारी पीजीबीपी की इनकम ही होती है। फोर्थ पॉइंट लिखा होता है नॉन कॉम्पिटिंग फीस या नॉन शेयरिंग फीस। नॉन कॉम्पिटिंग फीस होता है कॉम्पिटिशन ना करने के पैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है और आपका कॉम्पिटिटर आपको पैसे दे देता है कि आप अपना बिजनेस इस जगह पर नहीं कीजिए, आप चाहें तो अपना बिजनेस दूसरे शहर में जाकर कीजिए, आप यहाँ पर बिजनेस मत कीजिए, मेरे साथ कॉम्पिटिशन मत कीजिए। तो इस तरह की जो हमें इनकम मिलती है, दैट इज अगेन टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर किसी भी पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन या अदर रेमुनरेशन मिलती है, तो जनरली हम सैलरी का नाम आते ही हमारे दिमाग में सैलरी चैप्टर आ जाता है। बट मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द रिसीवर मस्ट बी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। बट इनकेस अगर वो रिलेशनशिप यहाँ पर वहाँ पर नहीं होता, तो वो सैलरी इनकम नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमें सैलरी मिल रही है वो किसी पार्टनर को मिल रही है, और पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से जब सैलरी लेता है तो वो उसका सर्वेंट नहीं होता, वो तो उसके ओनर ही होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो पार्टनर्स को जब रेमुनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, दैट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, करेक्ट। उसके बाद की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की बातें भी हमने सैलरी में की थी। की मैन होता है हमारा बिजनेस में जो एक मेजर पर्सन है, जो मेन पर्सन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज कॉल्ड की मैन। उसके ऊपर कंपनी या एम्प्लॉयर उसके ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है कि अगर उस की मैन को कुछ हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट का लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है, हमारा प्रॉफिट इतने ज़्यादा प्रॉफिट शायद अर्न नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। तो इसका प्रीमियम कौन पे करता है? कंपनी। तो अगर इनकेस अगर इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिला, क्लेम मिला, तो वो किसको मिलेगा? उसी कंपनी को मिलेगा जिन्होंने प्रीमियम पे करते हैं। तो अगर वो क्लेम कंपनी अपने पास रख लेती है तो उनकी पीजीबीपी की इनकम, बट वो अपने पास ना रखकर अगर वो एम्प्लॉय को देती है तो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम कहलाई जाती है, या फिर किसी अदर पर्सन को देती है लाइक एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को देती है तो उनकी IFOS की इनकम बन जाएगी। तो की मैन इंश्योरेंस तीन जगह पर आता है, एक तो सैलरी अगर एम्प्लॉय को पैसे मिले, बट अगर एम्प्लॉयर को ही पैसे मिलते हैं और वो रिटेन कर लेते हैं तो वो उनकी पीजीबीपी की इनकम ही होगी। अदर पर्सन की बातें हम IFOS में भी करेंगे, राइट। तो की मैन इंश्योरेंस हमने सैलरी में भी देखा था और पीजीबीपी में भी है। तो वहां पर की मैन इंश्योरेंस पैसे के पैसे इंप्लॉय को मिल रहे थे, दैट इज वो सैलरी इनकम वहां पर बनी थी। यहां पर ये पैसे एम्प्लॉयर के पास ही हैं, जब वो बिजनेस कर रहा है उसी के पास ये पैसे हैं, तो वो इसकी इनकम को पीजीबीपी बनाना चाहिए, राइट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ योर कैश असिस्टेंस हो सकता है, वो एक्सपोर्ट करने में हमारी मदद कर रही है, वो हमें एक्स्ट्रा कैश असिस्टेंस दे सकती है, या फिर वो हमें ड्यूटी फ्री सर्टिफिकेट्स वगैरह दे सकती है, और ये ड्यूटी फ्री सर्टिफिकेट्स ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट पासबुक्स एक्सेट्रा। तो अगर हमने इसको ट्रांसफर करा और वहाँ से हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो दैट इज अगेन एन इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक या इम्पोर्ट लाइसेंस को बेच के भी अगर हमें पैसे मिलते हैं, दैट इज अगेन आर पीजीबीपी इनकम। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट, अगर हमारा स्टॉक, देखिए हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है स्टॉक को सेल करना, तो अगर हम स्टॉक को सेल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी पीजीबीपी इनकम होगी। बट इनकेस अगर हम अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल असेट में, तो भी पीजीबीपी की इनकम ही होती है, राइट। तो यहाँ पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है कि जब हमने कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो हमारी फिर पीजीबीपी की इनकम बन जाती है। ऑब्वियसली माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे वो स्टॉक को परचेज करने में, वो हम माइनस भी करते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, जब कैपिटल असेट कन्वर्ट होता है स्टॉक में, राइट, वो हम कैपिटल गेन में पड़ेंगे।
जब कैपिटल असेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक में तो वो कैपिटल गेन वहां पर अराइज हो जाता है, ठीक है। फिर उसको हम टैक्सेबिलिटी कैसे करते हैं वो हम कैपिटल गेन में देखेंगे, ठीक है। तो हम उसको वेट करते हैं जब तक वो बिक नहीं जाता, तो वो सारी बातें कैपिटल गेन की है। बट अभी फिलहाल के लिए हम अपना यहाँ पर स्टॉक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको ऐसे रिलेट कीजिए, जब स्टॉक बेचोगे तो भी पीजीबीपी होगा, स्टॉक को कन्वर्ट करोगे कैपिटल असेट में तो भी पीजीबीपी की इनकम ही आएगी, राइट। अगर कोई म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन मेनली वो होती है जो मेंबर्स और एसोसिएशन से आपस में सेपरेट एंटिटी नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक RWA सोसाइटी, वो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉलोनी में फॉर एग्जाम्पल 20-30 घर हैं, 20 या 30 हमारे हाउस यूनिट्स हैं, वो सब लोग मिलकर एक RWA सोसाइटी बना लेते हैं। तो दैट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन। वो किससे म्यूचुअल एसोसिएशन, RWA सोसाइटी कोई और नहीं है, वो हमारी ही म्यूचुअल एसोसिएशन है, हम और मेंबर्स एक ही हैं। बट अगर RWA सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उनसे चार्ज भी करती है, दैट इज अगेन देयर पीजीबीपी इनकम, उस म्यूचुअल एसोसिएशन की पीजीबीपी इनकम मानी जाती है। तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि सर ये तो इनकम हम अपने आप से जनरेट करते हैं, नहीं, सेक्शन 28 ने क्लियर कर दिया कि दैट विल बी कवर्ड ड्यूली अंडर सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन में आएगा, सॉरी यस। तो म्यूचुअल एसोसिएशन अगर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अपने मेंबर्स को, उनसे चार्ज भी करती है, तो अगर कोई वहां पर इनकम जनरेट हुई दैट वुड बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम। एंड 10th है सेल ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस असेट। स्पेसिफाइड बिजनेस असेट हम लोग देखेंगे, आगे एक सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 3580 जिसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं, बट मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ले रहे हैं तो सेक्शन 3580 की डिडक्शन नहीं मिलती है, हाँ, बट अगर आप ऑप्शनल टैक्स स्कीम ले रहे हैं तो 3580 मिल जाता है। तो हम वहां पर कुछ पढ़ेंगे कि वहां पर 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं कि अगर वहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमें डिडक्शन मिल जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई भी असेट परचेज किया, लेट से वहां पर कुछ असेट्स हैं जो हम जिस जो एलिजिबल नहीं है, जैसे लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी बातें 3580 की है, वो मैं वहां पर बताऊंगा। बट यस, आपको रिकॉल हो रहा होगा 3580 वाले स्पेसिफाइड बिजनेस याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम 115BAC, ठीक है, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं इसको, कि जनरली अब हम इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं। तो वहां पर 3580 की डिडक्शन अब नहीं है, उनके लिए अब एलिजिबल नहीं है 3580। बट यस, ऑप्शनल टैक्स स्कीम वालों के लिए, जो ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबल है वो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक मशीन के ऊपर खर्चा किया, तो मशीन फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज की आई है और उन्होंने उस मशीन को खरीदा है, तो अगर वो ऑप्शनल टैक्स स्कीम ले रहे हैं SAC तो उसकी वो डिडक्शन ले सकते हैं 10 लाख रुपीज की। बट बाद में 1 या 2-3 साल के बाद अगर उसने वो मशीन को बेच दिया, अगर मशीन को बेच दिया तो वो वहां से जो इनकम आती है वो हमारी पीजीबीपी की इनकम ही कहलाई जाएगी। तो सेल ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस असेट, स्पेसिफाइड बिजनेसेस वहां पर वो 14 बिजनेसेस हैं जो 3580 में कवर्ड हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो 3580 में कवर्ड, ठीक है, ओके। सो दिस वाज आर चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, दिस वाज चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। तो इसके इसको पढ़कर हमें समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी इनकम हमारी पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 29। हम अपनी पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? तो इमेजिन कर लीजिएगा कि आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और आप अपनी पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव PNL अकाउंट और आपको पता है कि PNL अकाउंट में दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमारी कुछ इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर income number 1, income number 2, income number 3 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से हमारे डेबिट साइड में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो लेट्स से expense number 1, expense number 2, expense number 3 एंड सो ऑन, राइट। फिर हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट, या फिर अगर हो सकता है कि आपके एक्सपेंसिव साइड ज्यादा है तो आपका नेट लॉस भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंप्यूटेशन करने का, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, या फिर अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस ही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आप फिर आप जब आप स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज अ पीएनएल अकाउंट, प्लीज उसको नेगेटिव शो कीजिएगा अगर वो लॉस है तो, अगर वो प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही शो कीजिएगा, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, स्टेप वन होता है नेट प्रॉफिट से शुरू करना। तो इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, स्टेप वन होता है जब कभी भी अपना पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करें तो नेट प्रॉफिट से शुरुआत करें, ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज द केस में भी। तो फर्स्ट नेट प्रॉफिट से शुरुआत करें, पॉजिटिव इनकम है तो पॉजिटिव लिखिएगा, लॉस है तो नेगेटिव लिख लीजिए, राइट। स्टेप टू होता है अपने एक्सपेंसेस देखना,
कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस डेबिटेड हैं पी एन एल अकाउंट में। तो आप देखिएगा कि अगर आपके एक्सपेंसेस वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेक्शन 30 से 37 में लिखे हुए थे। याद आता है आपको मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउड होते हैं सेक्शन 30 से 37 में। तो जब आपने ऑलरेडी 30 से 37 वाली बातें पढ़ी हुई हैं, अभी हम रिवाइज भी करेंगे उसको, तो जो भी एक्सपेंसेस 30 से लेकर 37 में कवर्ड होते हैं, दीज आर अलाउेबल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस हमारे अलाउड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो 30 से लेकर 37 में किसी भी सेक्शन में अलाउड है, तो हम बोलेंगे वो तो ठीक है, वो तो अलाउड है। बट हमें कोई अगर ऐसा एक्सपेंस मिलता है, मान लेते हैं एक्सपेंस नंबर 4 में कोई ऐसा एक्सपेंस मिला है जो सेक्शन 30 से लेकर 37 में कवर्ड नहीं होता, वो वहां पर फॉल नहीं करता है, तो हम बोलेंगे सर दिस इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंस, वो अलाउड एक्सपेंस नहीं है, तो आप उसको वहां से हटा दीजिएगा। तो अगर आप वहां उसको हटाएंगे तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। सर अगर हम यहाँ से एक्सपेंस हटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि जितने ज्यादा आप एक्सपेंसेस अपने डेबिट साइड में लिखते रहिए आपके उतने प्रॉफिट कम होते रहेंगे। अब वापस हम यहाँ से एक्सपेंस हटा रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग अवे दिस एक्सपेंस, तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं इसमें से, हम इसमें से देखते हैं कि हमारे डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। अगर वो एक्सपेंसेस 30 से लेकर 37 में आते हैं तो इट्स ओके, गुड इनफ, बट अगर वो नहीं आते हैं तो हम उसको वहां से हटाएंगे और हमारे प्रॉफिट वहां से इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। स्टेप टू होता है अपने एक्सपेंसेस देखना, तो दिस इज स्टेप नंबर टू। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंस है जो डेबिट किया हुआ है पी एन एल अकाउंट में बट इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, आप उसको ऐड कर दो, करेक्ट। फिर स्टेप थ्री होता है अपनी इनकम की साइड देखना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप वन होता है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कीजिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एज द केस में भी लॉस है तो नेगेटिव। स्टेप टू होता है अपने एक्सपेंसेस की स्कैनिंग करना, एक एक एक्सपेंस देखो, स्कैन करो एक एक करके कि क्या ये अलाउड है, क्या ये अलाउड है, क्या ये अलाउड है। 30 से लेकर 37 की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल है, और इतनी ज़्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, नॉर्मल नॉलेज, ठीक है। 30 से लेकर 37 के बारे में हम लोग जानते हैं और आगे रिवाइज भी करेंगे। अगर वो अलाउड है तो ठीक है, नहीं है तो ऐड बैक कर दीजिएगा। इनकम की साइड देखिए, कहीं कोई ऐसी इनकम तो नहीं लिखी यहाँ पर जो किसी और हेड में कवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हमने इनकम नंबर 2 एक ऐसी इनकम लिखी हुई है जो हाउस प्रॉपर्टी में आती है, या सैलरी हेड में आती है, या कैपिटल गेन में आती है, या IFOS में आती है, तो उसको प्लीज यहाँ से हटा दीजिएगा। वाई, बिकॉज यू आर कंप्यूटिंग योर PGBP, हम अपना PGBP कंप्यूट कर रहे हैं बॉस, राइट नाउ वी आर नॉट कंप्यूटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या अदर सोर्सेज, या सैलरी, राइट। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम मिले आपको जो दूसरे हेड में कवर्ड होती है, उसको वहां से हटा दीजिएगा। अब जैसे वो इनकम क्रेडिट साइड से कोई इनकम हटाएंगे तो आपके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, करेक्ट, बिकॉज आप यहाँ पर ये पहले इनकम लिखी थी, अब यहाँ से आप इसको हटा रहे हैं तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे, इनकम क्रेडिटेड टू पी एन एल अकाउंट। कुछ इनकम ऐसी है जो पी एन एल अकाउंट में क्रेडिट थी बट नॉट कवर्ड अंडर PGBP, वो PGBP में कवर्ड नहीं होती है, ठीक है। कौन से सेक्शन में कवर्ड होनी चाहिए PGBP? इनकम 28 में होनी चाहिए, और एक आगे हम देखेंगे एक सेक्शन 41 होता है डीम्ड PGBP। अगर 28 या 41 में कवर्ड है तो इसका मतलब PGBP है, बट अगर किसी और हेड में कवर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है बाय रेंट ऑफ बिल्डिंग, अब मुझे बताओ रेंट ऑफ बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी में जाके कंप्यूटेशन करो ना, उसकी PGBP में क्यों करते हो। या फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा डिविडेंड रिसीव, अरे डिविडेंड रिसीव हुआ तो IFOS है ना, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो IFOS है, ठीक है, उसको वहां पर ले जाओ, उसको यहाँ से हटा दो। या फिर आपको लिखा है यहाँ पर हमने कोई असेट सेल करा, अगर असेट सेल करा तो बस कैपिटल गेन होगा, उसको यहाँ से हटा दीजिए। या फिर आपको क्रेडिट साइड में ऐसा भी मिल सकता है कि कोई ऐसी इनकम लिखी है जो एग्जेम्प्ट है, अगर कोई ऐसी इनकम लिखी है जो एग्जेम्प्ट है उसको भी तो यहाँ से हटाना है ना, बिकॉज उसको तो फिर हम टैक्सेबल ही नहीं करेंगे। ये जो दूसरे हेड की इनकम है उसको यहाँ से हटाकर दूसरे हेड में ले जाएंगे, बट जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको भी यहाँ से हटा दीजिए और उसको कहीं और मत ले जाइए, बिकॉज दैट इज एन एग्जेम्प्ट इनकम, राइट। तो अगर यहाँ पर कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम लिखी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम लिखी हुई है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसको यहाँ से हटा दीजिएगा। एक फेवरेट होती है एग्जामिनर की, वो बोलता है ये आपका ये मिस्टर ए का, फॉर एग्जांपल इन्होंने मिस्टर ए का पी एन एल अकाउंट दिया हुआ है, और ये भी बोला हुआ है कि मिस्टर ए ना किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ठीक है, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उनको वहां से शेयर मिला है, तो उनको वहां से शेयर मिला है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज का, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी इनकम आई होगी, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। बट हमें पता है, हम आगे पढ़ते हैं इसको, कि जो हमें शेयर मिलता है अपनी पार्टनरशिप फर्म से वो तो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उस पर तो पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स दे दिया, फिर हम अपने शेयर पर दोबारा से टैक्स नहीं देते, राइट, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उसको यहाँ से हटा दीजिएगा। तो ऐसी इनकम को, तो आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा अपनी इनकम की साइड को चेक करना,
कहीं यहाँ पर ऐसे ही तो इनकम नहीं है जो कि दूसरे हेड में जानी चाहिए, या फिर वो एग्जेम्प्ट है तो उसको वहां से हटा दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर आपको सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट साइड में वो इनकम होनी चाहिए जो आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। ओके, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। स्टेप वन नेट प्रॉफिट लिखना, स्टेप टू एक्सपेंसेस देखना, स्टेप थ्री इनकम देखना, राइट। तो क्या अब सर पीजीबीपी आ जाता है? जनरली स्पीकिंग हाँ आ सकता है, बट यस यहाँ पर फिर आपको आपका क्वेश्चन कुछ और इंफॉर्मेशन भी देता है। तो स्टेप फोर यानी कि लास्ट स्टेप होता है हमारा ये इंफॉर्मेशन चेक करना। यहां पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, 1 2 3 कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, हमें उसको भी चेक करना है कि वहां पर हो सकता है कि आप ना आपने कोई ऐसी इनकम जो 28 में कवर्ड है या 41 में कवर्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे डीम बिजनेस इनकम, वो यहां पर नहीं लिखी हुई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एसएससी को नॉन कॉम्पिटिंग फीस मिली, तो आपको पता है नॉन कॉम्पिटिंग फीस अभी हम सेक्शन 28 पढ़ कर आए हैं, वो चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी में कवर्ड होती है। बट अगर आपने कोई नॉन कॉम्पिटिंग फीस है यहाँ पर नहीं लिखी हुई, या फिर आपने कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव आपको मिला था, कैश असिस्टेंस मिला था, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला था, इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस बेचा है, ऐसी इनकम आई है, तो इनकेस अगर ऐसी इनकम आई है तो बहुत सो तो पीजीबीपी में आनी चाहिए ना। बट यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट नहीं करी हुई। आपको एग्जाम में ऐसा मिलता है कि फॉलोइंग इन दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड दीज आर नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन इन पीएनएल अकाउंट। अरे बॉस लीजिए इस इनकम को। तो फिर आपका फोर्थ टास्क रहती है अपनी इंफॉर्मेशन चेक करना। तो कोई भी इनकम अगर वो क्रेडिट नहीं है बट वो पीजीबीपी में कवर्ड है, तो उसको आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से हो सकता है कुछ एक्सपेंस हो सकता है कि यहाँ पर हमने कोई एक्सपेंस लिख रखा है जो हमें लगता है कि सेक्शन 30 से लेकर 37 में कहीं ना कहीं आता है, बट उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, यानी कि हम उसको लिखना भूल गए थे। उसको लिखना चाहिए बॉस, क्योंकि वो पीजीबीपी में अलाउड होता है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन में ऐसा एक्सपेंस मिले जो आपने पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा हुआ, बट उसको लिखना चाहिए बिकॉज वो 30 से लेकर 37 में कवर्ड होता है, तो इट शुड बी अलाउड, राइट। तो फोर्थ हमारा स्टेप रहेगा अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना, देखिए कि कौन कौन सी ऐसी इनकम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिखी है जो हमारी पीजीबी में आनी चाहिए, उसको लिखिए, और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो 30 से लेकर 37 में किसी भी सेक्शन में अलाउड होता है बट आपने अलाउ नहीं किया हुआ, तो प्लीज उसको अलाउ कराइए। यानी कि अगर वो एक्सपेंस को आप अलाउ कराएंगे तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, इसलिए लेस कीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है ना कि कब ऐड कर रहे हैं कब लेस कर रहे हैं, तो बस ये देख लीजिए कि मेरे जो प्रॉफिट जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं ये पॉइंट को कंसिडर करूंगा तो मेरा क्या इफेक्ट आएगा उस प्रॉफिट पे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इनकम अब यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, आप कोई एक्सपेंस यहां पर लेकर आ रहे हैं तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, सिंपल सा है। और जब इसको करते हैं तो दिस इज नथिंग बट सेक्शन 29 जो कहता है कि इस तरीके से आपकी पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल बात थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यही बात है यहां पर लिखी हुई है मैंने, ठीक है, वही स्टेप्स यहां पर लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें दिस इज पेज नंबर 5.3 गाइस। ओके, तो सेक्शन 29 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, सबसे पहले स्टेप वन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कीजिएगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, राइट। फिर ऐड स्टेप टू क्या होता है, एक्सपेंसेस देखना, ठीक है। तीन स्टेप्स तो में तो हम लोग अपने पीएनएल अकाउंट को देख रहे हैं। स्टेप वन नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, स्टेप टू ऐड करना एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट अलाउड, ठीक है। स्टेप थ्री इनकम की साइड देखिएगा, कोई इनकम ऐसी तो नहीं है कि वहां पर क्रेडिट कर रखी है बट वो किसी दूसरे हेड में जानी है, उसको वहां से हटाइए, या फिर वो इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको वहां से हटा दीजिए, वो दूसरे हेड में कवर्ड है एग्जेम्प्ट है उसको वहां से हटा दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, ठीक है, लेस करा दिया। फिर स्टेप फोर होता है अपनी इन्फॉर्मेशन देखना, अपनी इन्फॉर्मेशन देखकर चेक कीजिए कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो हमारे पीजीबी में आनी चाहिए बट हमने लिख नहीं रखी अपने पीएनएल अकाउंट में, उसको लेकर आइए ऐड कीजिए। कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो सेक्शन 30 से लेकर 37 में कवर्ड होता है बट हमने लिख नहीं रखा, उसको माइनस कीजिए। तो इस तरीके से आपकी पीजीबीपी की इनकम आ जाती है, राइट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है आपको एक पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी गिवन हो टी फॉर्म में, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन हो, या फिर हो सकता है पीएनएल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि ये सारी चीजें हमने पीएनएल अकाउंट में ली हुई थी, ये सारी चीजें हमने पीएनएल अकाउंट में नहीं ली हुई थी। तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब हम इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब मैं ऐसी क्लासेस पोस्ट करूंगा, तो आप प्लीज वहां पर भी देखिएगा हम किस तरीके से अपने पीजीबीपी क्वेश्चंस को डील करते हैं, करेक्ट। ओके, अब देखते रहिए जरा। हम लोगों ने ये हमारा मेजर कंटेंट था, मतलब ये हमारी बाइबल थी पीजीबीपी की, ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि हमें इसको करना है अच्छे से। तो अब हम लोग जान गए हैं कि सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी क्या होता है, हम लोग ये भी जान गए हैं इसकी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं।
अब हम इस पार्ट पर आ रहे हैं, सेक्शन 30 से लेकर 37 वाले पार्ट पर आ रहे हैं, जहां पर हम लोग बातें करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड होते हैं पीजीपीपी में, कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो पीजीपीपी में हमें मिल जाती हैं। तो हम लोग 30 से लेकर 37 में बातें करनी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से मैं कुछ सेक्शंस ऑलरेडी आज डिस्कस कर लूं और बाकी के हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट इज सेक्शन 30। सेक्शन 30 होता है कि अगर आपका कोई भी, आप अपने बिजनेस में जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, देखिए अपने बिजनेस में कौन सी बिल्डिंग आप यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में आप लोग आपके पास एक शॉप हो सकती है, राइट? तो शॉप हो सकती है, गोडाउन हो सकता है, शोरूम हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, तो इस तरह की बिल्डिंग्स आपके बिजनेस में हो सकती है। तो उस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, वो सेक्शन 30 में हम बोलेंगे अलाउड है। क्यों? देखो लॉजिक समझो, प्लीज याद मत करो, प्लीज लॉजिक समझो। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग मैं जो अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस बन जाएगा, राइट? लाइक लेट्स से दिस इज स्टूडियो, ये स्टूडियो मेरा बिजनेस में की बिल्डिंग है, करेक्ट? दिस स्टूडियो इज माई बिजनेस बिल्डिंग। जो मेरी इनकम आती है वो पीजीबीपी की इनकम होती है, और ये पर्टिकुलर स्टूडियो मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस में, राइट? अपने प्रोफेशन में, करेक्ट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसका मैं, although this is owned by me, but अगर still इसका मैं अगर rent pay करता हूँ, अगर मैं for example इसका rent pay करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं इसमें tenant हूँ और मैं इसका rent pay करता हूँ, let's say इसका rent है 20,000 rupees per month, ठीक है, actual rent है, notional rent नहीं, actual rent है, let's say 20,000 rupees per month, तो अगर मैं इसका rent pay करता हूँ in case, तो that is my business expense, right? तो वो मेरा PGBP में allowed होना चाहिए under section 30, या फिर for example मैंने इसकी repair कराई, ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पर दीवार में कुछ हो गया, मैंने इसकी रिपेयर कराई है, तो अगर मैंने इसकी रिपेयर कराई है, दैट इज अगेन माय बिजनेस एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 30। तो मैं इस समय कौन से खर्चे देख रहा हूँ जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना कंप्यूटर रिपेयर कराया है, तो वो क्या बिल्डिंग से रिलेटेड है? नहीं, उसकी बातें हम थोड़ी देर बाद करेंगे, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू योर बिल्डिंग, राइट? और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बिल्डिंग का, इस स्टूडियो का मैंने इंश्योरेंस करा लिया, तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, दैट इज अगेन माई बिजनेस एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 30। मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे, या फिर हो सकता है आपको पता है कि हर साल इसकी म्यूनिसिपल टैक्सेस आ जाते हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो अगर मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस का खर्चा हो रहा है, दैट इज अगेन माई बिजनेस एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 30। बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आर अलाउड अंडर सेक्शन 30। तो इसको देखते हैं जरा। ओके, सेक्शन 30, अगर आप अपनी बिल्डिंग का, कौन सी बिल्डिंग जो अपने बिजनेस में यूज कर, करेक्ट, अगर आप इसका रेंट पे करते हैं, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, दीज आर अलाउड, ठीक है? रेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर कराई है आपने, इसके इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है, या इसके टैक्सेस जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो आपने पे किए, दो अलाउड होते हैं। बट नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता। नोशनल रेंट अलाउड कैसे नहीं होता? जैसे कि मैंने कहा कि दिस स्टूडियो इज ओन्ड बाय मी, तो अगर मैं इसका बोलूं कि इसका अगर मैं रेंट पर लेता तो इसका रेंट 20,000 होता, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी, तो क्या वो ऐसा रेंट अलाउड होता है? द आंसर इज नो, नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता, ओनली एक्चुअल रेंट। अगर आप एक्चुअली में आपने बिल्डिंग को रेंट पर लिया हुआ है और उसका रेंट जाता है, तब आप उसको अलाउ कर सकते हैं, नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता। वरना तो हर असेसी क्या करेगा, वो बोलेगा कि इस स्टूडियो का रेंट अगर मैं पे, अगर किसी को मैं रेंट पर दूं, तो मेरा 1,00,000 रुपए का रेंट आएगा पर मंथ का, तो मैं क्या करूंगा, पूरे साल में 1,00,000 × 12 12,00,000 रुपए डेबिट कर लूं, बट एक्चुअली क्या ये आपका एक्सपेंस है? द आंसर इज नो, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, ये आपने एक्चुअल एक्सपेंस नहीं किया। तो एक्चुअल एक्सपेंस अगर आप नहीं कर रहे तो अलाउड नहीं होगा, नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता, ओनली एक्चुअल रेंट इज अलाउड, राइट? ओके, और ये बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर योर बिजनेस और प्रोफेशन, ये बिजनेस के लिए ही बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो। अगर ये फॉर एग्जांपल आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड अगर आप खर्चा देखेंगे, तो सॉरी वो अलाउड नहीं होगा, दैट बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर योर बिजनेस और फॉर योर प्रोफेशन, ठीक है? अगर वो फॉर एग्जांपल आप ऐसी बिल्डिंग है आपकी जिसको आप बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, अदर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, तो हमारे एक सेक्शन 38 है जो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन बोलता है, वो कहता है कि जितना रिलेटेड टू बिजनेस है या प्रोफेशन है आप उतना ही अलाउ करेंगे, विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन उतना आप अलाउ नहीं करेंगे, फिर उस केस में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलती है, दैट इज क्लियर, ठीक है, राइट? ऑल्सो द एक्सपेंसिस शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल इन नेचर, कैपिटल नेचर, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल इसकी वॉल एक थोड़ा सा रिपेयर करानी थी, तो अगर मैंने उसको रिपेयर कराया, दैट इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, वो अलाउड है। बट अगर मैं यहाँ पर इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ,
तो वो आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं मान सकते, वो सेक्शन 30 में अलाउड नहीं होता। फिर तो अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है वो तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड हो जाता है, दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड, फिर उसके ऊपर तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, राइट। नोशनल रेंट मैंने आपको बता दिया, नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक्चुअल रेंट पे करता हूँ या मैंने एक्चुअल रिपेयर पे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर 23-24 में इसका रेंट ड्यू हो गया था। लेट्स से रेंट एक्चुअल रेंट है, नोशनल नहीं है, एक्चुअल है। लेट्स से ये एक्चुअल रेंट ड्यू हो गया था, बट मैंने अभी पे नहीं किया। तो सर क्या अभी आउटस्टैंडिंग रेंट है तो क्या वो भी अलाउड हो सकता है? तो असेसी ये पूछता है कि सर मैंने कोई रेंट का खर्चा था, रिपेयर का खर्चा था, इंश्योरेंस का खर्चा था, सर वो मेरा ड्यू तो हो गया बट मैंने अभी पे नहीं करा, वो इस साल से रिलेटेड खर्चा है बट स्टिल नॉट पेड, तो क्या वो अलाउड हो जाता है? द आंसर इज यस एंड समटाइम्स द आंसर इज नो ऑल्सो, वो डिपेंड करता है। सेक्शन 145 पीजीबीपी की इनकम हम किस बेसिस पे कंप्यूट करते हैं? देखिए ये बात है ना, मैं ऑलमोस्ट हर जगह हर सेक्शन हर हेड में मैंने की थी जितने भी हमने लास्ट रिवाइज किए। सैलरी में मैंने आपको बताया था कि सैलरी में हम लोग टैक्सेबल करते हैं ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, राइट। हाउस प्रॉपर्टी को ओनली एंड ओनली ड्यू बेसिस, राइट। पीजीबीपी और आईएफओएस के ऊपर एक सेक्शन आता है 145, वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग का लगता है। वो कहते हैं कि आपका कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है, जब आप पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कर रहे हो, सेम कंसेप्ट है आईएफओएस, क्या आप आईएफओएस की कंसेप्ट की कंप्यूटेशन कर रहे हो, सेक्शन 145 कहता है कि हम आपके सारे एक्सपेंसेस को अलाउड करेंगे या फिर आपकी सारी इनकम को लेंगे ऑन द मेथड ऑफ, एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय यू, जैसे कि आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं हम उसी तरीके से हम आपके एक्सपेंसेस और इनकम को भी कंसिडर करेंगे। अगर आप अक्रूवल बेसिस पर, जिसको मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं या ड्यू बेसिस भी बोलते हैं, अगर आप अपने अकाउंट्स मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से करते हैं तो हम सारे एक्सपेंसेस आपके मर्केंटाइल सिस्टम मतलब ड्यू बेसिस पर अलाउ कर देंगे, चाहे वो आपने पे किए हो या नहीं पे किए हो, राइट। बट हाँ, अगर आप अपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हम सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम सिर्फ कैश बेसिस पर ही कंसिडर करेंगे, राइट। आपकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो तभी मानेंगे जब आपने एक्चुअली पे करे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और जितनी भी इनकम है हम सिर्फ उतनी इनकम कंसिडर करेंगे जो आपके एक्चुअली रिसीव होगी अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। तो दोनों ही अकाउंटिंग के बेसिस अलाउड होते हैं, तो मर्केंटाइल सिस्टम पर कर रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस ड्यू बेसिस पर, अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो कैश बेसिस पर ही होंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो प्लीज हमेशा अज्यूम कीजिएगा कौन सा मेथड, मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। अक्रूवल बेसिस ही फॉलो हम करेंगे अनलेस एंड अंटिल कैश बेसिस लिखा हो। तो प्लीज देख लीजिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अक्सर वो एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस कर जाते हैं ये लाइन पढ़ना क्वेश्चन में, तो प्लीज ये जरूर पढ़ लिया कीजिए कहीं ऐसे तो नहीं लिखा क्वेश्चन में कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा फिर सारे एक्सपेंसेस कैश बेसिस पर ही अलाउड होंगे। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है या फिर मर्केंटाइल बेसिस मेंशन है तो फिर तो मर्केंटाइल पे ही आपको देखना है, ठीक है। तो किस तरीके से, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि रेंट ड्यू हो गया था बट पे नहीं किया, रिपेयर्स ड्यू हो गई थी पे नहीं करी, इंश्योरेंस ड्यू हो गया था पे नहीं किया, तो क्या फिर भी अलाउड होगा? आंसर इज यस सर, मर्केंटाइल सिस्टम मेनली हम लोग क्वेश्चन अगर बोल रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम बेस है तो मर्केंटाइल भी मानेंगे, अगर साइलेंट है तो भी मर्केंटाइल पर मानते हुए अलाउ कर देंगे। हाँ बट अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है फिर हम तभी अलाउ करेंगे जब वो एक्चुअली पे हो गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। बट यस, आगे एक बहुत अच्छा सुंदर सा एक सेक्शन आता है 43B। सेक्शन 43B कहता है डिडक्शंस नॉट अलाउड वाले उसमें, ठीक है, याद है आपको? मैं आपको आगे की नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर पाऊंगा। इस वाले पार्ट में आता है डिडक्शंस नॉट अलाउड, सेक्शन 43B। ये कहते हैं कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। असेसी कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हो, हम लोग एक्सपेंसेस तभी अलाउ करते हैं। कुछ एक्सपेंसेस हैं वहां पर, कुछ लिस्ट हैं 6-7 एक्सपेंसेस की जो मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको 43B डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वहां पे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो तभी अलाउड होते हैं जब उसका एक्चुअल पेमेंट हो गया हो अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, राइट। ये बातें मैं आपको 43B के साथ कराऊंगा। बट वहां पर उस लिस्ट में एक ऐसा एक्सपेंसेस जहां वहां पर लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ टैक्स और सेस पेबल टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब एनी गवर्नमेंट, इट कुड बी दैट गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इट कुड बी एनी गवर्नमेंट। तो अगर उस लिस्ट में से एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है एनी टाइप ऑफ टैक्स और सेस पेबल टू गवर्नमेंट, हम वो तभी अलाउ करेंगे जब उसका एक्चुअली पेमेंट हो गया हो, ठीक है। कब तक हो जाना चाहिए आपको, ड्यू डेट ऑफ आरओआई वगैरह है वो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। तो वहां पर लिखा हुआ एनी टाइप ऑफ टैक्स। अब यहां पर हम लोग सेक्शन 30 में एक तरह का टैक्स पढ़ते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस।
अब रेट्स एंड टैक्सेस क्या होते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं जो लोकल अथॉरिटी को, लोकल गवर्नमेंट को देने होते हैं हम लोगों को। तो प्लीज बताइए, अगर हमने ये पे नहीं किया तो सेक्शन 30 तो बोलेगा अलाउड है सर, क्योंकि 145 के तहत ड्यू बेसिस पे अलाउड है, बट 43B यहां पर बैरियर बन जाएगा। 43B बोलेगा नहीं सर, क्योंकि 43B कहता है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 30 से 37 में, कुछ भी लिखा हो 145 पे, कुछ भी लिखा हो एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, वो कुछ भी फॉलो कर रहा हो, कुछ एक्सपेंसेस को हम सिर्फ और सिर्फ ड्यू सिर्फ पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ करते हैं। तो वहां पर कुछ लिस्ट लिखी हो, उसमें से फर्स्ट है एनी टाइप ऑफ टैक्स और सेस। तो ये किसी भी तरह का टैक्स ही तो है, ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। तो रेट्स एंड टैक्सेस आर अलाउड सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, वो अलाउ हो सकते हैं अगर वो पे हो गए हो, ठीक है। अगर वो पे नहीं हुए होंगे तो फिर हम अलाउ नहीं करते, 43B उसको मना कर देता है। और फिर बाद में वो कब अलाउ होते हैं फिर वो हम देखेंगे आगे, जब भी वो पे हो जाते हैं फिर वो उस ईयर में जाकर अलाउ होते हैं, राइट। वो हम आगे देख लेंगे जब हमें 43B आपको कराऊंगा। तो ओके, सो दिस वाज सेक्शन 30 कि ये आपके खर्चे थे बिल्डिंग से रिलेटेड। अब प्लीज मुझे बताइए, आप बिजनेस में तो बहुत सारे, प्लीज सोचिए खुद, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल रहिएगा यहाँ पे, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा रहिएगा। अब प्लीज बताइए, बिजनेस में तो बहुत सारे खर्चे होते होंगे ना, ठीक है, बिजनेस में आपके, जैसे मैंने कहा था बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो बिजनेस में तो बहुत सारे खर्चे हैं। हमें अपने इंप्लॉयज को सैलरी पे करनी है, हमें अपना स्टॉक खरीदना है, परचेजेस का खर्चा हो गया, हमारी कार्टेज है, हमारे फ्रेट एक्सपेंसेस हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, या इवन कुछ ऐसे चीज़ें जैसे बैड डेट्स हो गए, तो बहुत सारे खर्चे हैं। क्या वो सभी खर्चे अलाउड हैं? तो हम वो एक एक करके चेक कर रहे हैं क्या वो खर्चे अलाउड होते हैं या नहीं होते। फर्स्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो सेक्शन 30 था, जहां पर बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने देखे थे अलाउड। अब दूसरा एक्सपेंस है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर से रिलेटेड। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस अभी यहां पर बोले गए हैं सेक्शन 31 में? 31 ये बोलता है कि अगर आपने, आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं अपने बिजनेस में, या फर्नीचर आप यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अगर आपने उसकी रिपेयर कराई है तो वो खर्चा हम 31 में अलाउ करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो रिपेयर एक करंट नेचर की होनी चाहिए, वो कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपने रिपेयर कराई है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो आपका कोई भी आपके पास प्लांट या मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बिजनेस में लैपटॉप यूज कर रहा हूँ या कंप्यूटर यूज करता हूँ, अगर वो मशीनरी है, करेक्ट, अगर मैं उसके रिपेयर कराता हूँ तो वो खर्चा मेरा 31 में अलाउ। या मेरा अपना फर्नीचर है, मैं उसका रिपेयर कराता हूँ या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ उसको, मैंने इंश्योरेंस करा लिया है, तो वो खर्चा 31 में अलाउड होगा, करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, सर हो सकता है मेरा प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर को मैंने रेंट पे लिया हो, तो मैंने रेंट पे कर रहा हूं, तो वो भी तो मेरा बिजनेस का खर्चा है। द आंसर इज यस, बट वो 31 में कवर्ड नहीं है, वो 31 में कवर्ड नहीं है, हम उसको आगे देखेंगे, उसको हम 37 वगैरह में कवर करेंगे। बट यहां पर 31 स्पेसिफिकली सिर्फ दो खर्चे ले रहा है, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, सेकंड इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। आई अंडरस्टैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर और भी खर्चे हो सकते हैं जैसे रेंट वगैरह का, तो वो खर्चा 31 में नहीं है, ऑल दो अलाउड है, 37 में हम लोग अलाउ कर देंगे, बट 31 में सिर्फ ये अलाउड है, करेक्ट। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं जल्दी से देखिएगा, हम लोग कौन से पोर्शन कर रहे हैं? हम लोग पोर्शन कर रहे हैं डिडक्शंस विच आर अलाउड अंडर पीजीबीपी। तो हमने बातें कर ली सेक्शन 30 की भी, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, टैक्सेस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर की भी 31 में बातें कर ली, क्लियर है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, अगेन एक सुंदर सा सेक्शन है 32, डेप्रिसिएशन का। सर ये तो बड़ा खतरनाक सेक्शन है। अरे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी सेक्शन है। देखो अभी तक जो बातें पड़ी थी इजी थी ना, ये भी बिल्कुल इजी सेक्शन है। 32 होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जैसे हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है उससे हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि प्लीज बताइए, अच्छा पहले ये सोचिए कि डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है कि हाँ सर नॉन कैश एक्सपेंस है बट एक्सपेंस तो है। फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना असेट परचेस किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये कैलकुलेटर परचेस किया, ठीक है, मैंने ये अपने बिजनेस के लिए कैलकुलेटर परचेस किया, कितने का? 5 लाख रुपये। सर 5 लाख रुपये का 500 का तो है नहीं। अरे एज्यूम कर लीजिए मैंने एक मशीन परचेस की, इसको कैलकुलेटर को कैलकुलेटर ना मान के एक मशीन मान लिए, मैंने 5 लाख रुपीज़ की अपने बिजनेस में ये मशीन परचेस की है, ठीक है। हम एंट्री करते हैं प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपये, ठीक है, मैंने 5 लाख का खर्चा किया। क्या ये पूरा का पूरा एक्सपेंस इसी साल का है? द आंसर इज नो, ये इसी साल का एक्सपेंस नहीं है, इसको हम धीरे 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 राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग, फॉर एग्जांपल इसकी लाइफ 5-10 साल है, तो हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे एक्सपेंस मानते हैं। तो ये 5 लाख का जो मैंने एक साथ खर्चा किया, इस खर्चे को हम स्प्लिट कर देते हैं ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड हम स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन,
नॉर्मल शब्द में हम लोग कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, बट अगर हम देखा जाए तो हम टेक्निकली अगर देखें तो ध्यान से, तो जो हमने 5 लाख रुपीज का खर्चा किया है इस मशीन के ऊपर, कैलकुलेटर नहीं है ये मशीन है, सोफिस्टिकेटेड, 5 लाख रुपए की, ओके, तो मैंने अगर इस 5 लाख की मशीन के ऊपर खर्चा किया है तो ये खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे करते हैं, हम इसको बाइफरकेट करते हैं, इस 5 लाख को हम धीरे 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 हर ईयर पे बाइफरकेट कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन, राइट। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जब आप पीजीबीपी के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो आप जो मेथड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे, एसएलएम मेथड या कोई दूसरा मेथड, डबल डिजिट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, ये मेथड वो मेथड, तो इतने सारे मेथड्स होते हैं। जनरली जो दो कॉमन होते हैं वो WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं उसको, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल देते हैं उसको, या SLM मेथड होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जब आप सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन निकालिएगा वो एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालिएगा, ठीक है। SLM मेथड से हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी एक्सेप्शन है जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स होती है उनको अलाउड होता है SLM मेथड, ठीक है, बट बाकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही। पावर जनरेटिंग की बात है थोड़ी साइड में, रख रहा हूँ, तो लेट से हम नॉर्मल से पावर जनरेटिंग के बिजनेस में नहीं है, तो हम लोग इस पे जो 5 लाख का हमने खर्चा किया है इसके ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे, राइट। दूसरी बात, हम यहां पर जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। इसके जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरी मशीन्स भी हैं, हम इन सबको ग्रुप करते हैं टुगेदर और इनके ऊपर एक साथ डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट्स। तो हम जब WDV मेथड यूज करते हैं, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जब हम WDV मेथड यूज करते हैं, जनरली जनरली नॉर्मली हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, WDV मेथड, तो हम इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते, हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं ऑन ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ असेट, जो सेम टाइप ऑफ असेट्स होते हैं जिसके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है उसको एक ब्लॉक का पार्ट मानते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह की मशीन मेरे पास दो तीन और होती, ठीक है, अभी मुझे दूसरे अलॉटमेंट नजर नहीं आ रहा है, मान लीजिए एक और इस तरह की मशीन मेरे पास और है, तो इस केस में तो मैं उन सबको कंबाइन करने के बाद ही डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ। क्लियर हो गया इतनी बातें, राइट। जब हम SLM मेथड यूज करेंगे पावर जनरेटिंग के केस में तो वहां पर SLM में हम इंडिविजुअल करते हैं, बट जब WDV मेथड यूज करते हैं नॉर्मली तो हम ब्लॉक ऑफ असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात ये कहती है कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसे अकाउंट्स में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमने 11 महीने यूज किया तो हम 11 महीने का डेप्रिसिएशन ले लेते थे, अगर हमने 10 महीने यूज किया तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन ले लेते थे। इस तरीके से हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एंड ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट परचेज किया और वो अभी हमें 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने हुए तो हम उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। बट यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, या तो आप पूरे कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मतलब फुल, या फिर आधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6 मंथ्स भी बोल सकता हूँ, बट जनरली हम इसको हाफ बोलते हैं, या तो आप हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, या फिर अगर आपने यूज किए ही नहीं असेट तो 0 डेप्रिसिएशन यानी कि निल। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पर 10 महीने का, 11 महीने का, 4 महीने का, इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इधर इट वुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर, दैट इज फुल डेप्रिसिएशन, इधर इट वुड बी फॉर 6 मंथ्स, दैट इज हाफ डेप्रिसिएशन, या फिर निल डेप्रिसिएशन। इतनी बातें समझ गए हैं, चलो पहले इतनी बातें समझ पढ़ लेते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन, तो अंडर सेक्शन 32 द WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी यूज्ड। ओनली एक्सेप्शन क्या होती है, जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं उनके लिए हम SLM यूज कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है वो SLM में जा सकती हैं, अगर वो चाहें तो WDV में आना चाहें तो WDV में भी आ सकती हैं, बट यस उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। ये एक बार जब वो चूज कर लेती हैं कि हमें ये मेथड लेना है तो फिर वो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम दोबारा से चेंज इसको नहीं कर सकती, वो इररिवोकेबल हो जाता है, बट बाकी इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग WDV मेथड ही फॉलो करेंगे। WDV जब मेथड हम फॉलो करते हैं, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं या तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या हाफ करते हैं या निल करते हैं, ठीक है। फुल का मतलब होता है पूरे साल का, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको 11 महीने के लिए भी यूज किया तो भी हम फुल करते हैं, तो मैं बताऊंगा कब हम फुल करते हैं, कब हाफ करते हैं और कब निल करते हैं। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है, जब हम WDV मेथड यूज करते हैं तो हम SLM में तो इंडिविजुअल हो जाता है, बट WDV में हम एक साथ असेट्स को कंबाइन करने के बाद ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट्स। ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होते हैं, सेम कैटेगरी ऑफ असेट्स विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको ब्लॉक बोलते हैं। अगर उसकी कैटेगरी सेम हो और उसका रेट भी सेम हो तो हम उसको एक ब्लॉक का पार्ट बनाते हैं। कैटेगरीज कितनी हैं, हमारे पास 5 कैटेगरी दी होती हैं,
फर्स्ट है बिल्डिंग की हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, जितने भी हमारे असेट्स से रिलेटेड टू बिल्डिंग तो उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड फॉर एग्जांपल हमारे पास शोरूम भी है, हमारे पास शॉप भी है, हमारे पास गोडाउन भी है, राइट, तो हम उसको एक इस कैटेगरी में लेकर आते हैं। अगर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरीज हैं तो उसको इस कैटेगरी में लेकर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या फिर दूसरी मशीन्स हैं जिससे हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, या फिर इवन हमारे पास व्हीकल्स हैं, व्हीकल इज ऑल्सो मशीन, तो उससे जितनी भी मशीन से प्लांट मशीनरी होती है उसको हम इस वाली कैटेगरी में रखते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को इस कैटेगरी में रखते हैं, शिप्स को अलग कैटेगरी में रखते हैं, और इंटेंजिबल असेट्स को भी यहाँ पर रखते हैं एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल के ऊपर एवरेज नहीं लगेगा, बट एक्सेप्ट दैट इंटेंजिबल असेट्स को अलग कैटेगरी बनाएंगे। सो दीज आर फाइव कैटेगरीज ऑफ असेट। सर तो क्या पांच ब्लॉक हो गए? नहीं, ये कैटेगरी है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर भी बिल्डिंग्स में भी अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स के ऊपर जनरली तीन रेट्स होते हैं। जनरल रेट 10% होता है, हाँ कभी कभी 5% भी हो जाता है अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है हमारे पास जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे गेस्ट हाउस या फिर अपने एम्प्लॉयज को हमने कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है, बिजनेस असेट ही है ना, बट हाँ वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर 5% लगता है। और जो हमारे टेम्परेरी नेचर की बिल्डिंग्स होती हैं उस पर 40% लगता है। तो बिल्डिंग्स में भी हमारे पास अलग अलग रेट्स हैं, इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में भी हमारे पास अलग अलग रेट्स हैं। जनरल रेट 15% होता है, बट हाँ कुछ चीज़ों पर 30 भी होता है, कुछ चीज़ों पर 40 भी होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग पर एक ही रेट है 10%, शिप्स के ऊपर एक ही रेट है 20%, इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर एक ही रेट है 25%। तो हाँ फर्नीचर एंड फिटिंग को कह सकते हैं कि सारे फर्नीचर एंड फिटिंग एक ही ब्लॉक में आती है, तो क्योंकि सबके ऊपर सेम रेट ही है 10%। सारे शिप्स एक ही ब्लॉक में आते हैं क्योंकि सबके ऊपर एक ही रेट है 20%। इंटेंजिबल असेट्स सारे अदर देन गुडविल सभी एक ही ब्लॉक में आते हैं जिसके ऊपर रेट होता है 25%। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? तो दीज आर कैटेगरीज ऑफ असेट्स। तो जनरल रेट जो बिल्डिंग का होता है वो 10% तक होता है, जैसे कि हमारी शॉप, गोडाउन, शोरूम्स वगैरह जो हम नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करते हैं। बट अगर हमारे पास कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो पर्सनल होगी, अरे नहीं मैं उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बातें कर रहा हूँ जो मेनली हम अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास गेस्ट हाउस वगैरह है जहाँ पर हमारे कभी कभी गेस्ट आते हैं, हम उनको अपने जो बिजनेस गेस्ट हैं हम उनको वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर आप स्टे करिए, ठीक है, आराम से कल सुबह मीटिंग करेंगे। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर 5% होता है, टेम्परेरी बिल्डिंग्स के ऊपर 40% होता है। प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने यहाँ पर जनरल रेट्स लिखे हैं, ठीक है, मेनली वो इंपॉर्टेंट रेट जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमें याद करने होते हैं। ऑल द प्लांट मशीनरी पर एक दो अलग अलग रेट्स भी हैं, बट आपको मेनली ये वाले रेट्स देखने हैं। जनरल रेट 15% होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अप्लायंसेज है या फिर हमारे पास कुछ कार्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर 15% रेट चार्ज होता है। बट हाँ जो कार होती है जो हायर बिजनेस में यूज होती है, अगर किसी का बिजनेस है कार को रेंट वगैरह पर देने का, तो उनकी कार तो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होती है ना बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि उनकी कार चलती बहुत है, उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मोटर व्हीकल जो यूज होते हैं हायर बिजनेस के लिए उसके ऊपर रेट 30% होता है। और कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर एसेसरीज लाइक प्रिंटर्स एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग बुक्स, चाहे वो बुक्स नॉर्मल प्रोफेशनल बुक्स हो या फिर वो हमारी एनुअल पब्लिकेशन भी हो, उसके ऊपर भी 40% रेट्स रखते हैं। एरोप्लेन्स, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, इस पर 40% रेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर जैसे मैंने बताया एक ही रेट है 10% का, शिप्स के ऊपर एक ही रेट है 20% का, इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर भी एक ही रेट है 25% का। तो हमारा जितनी भी बिल्डिंग्स 10% में फॉल करेंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोडाउन भी है, हमारे पास शॉप भी है, ठीक है, हमारे पास शोरूम भी है, तो उन सब के ऊपर एक ही कैटेगरी है बिल्डिंग, सेम टाइप ऑफ रेट है 10%, वो एक ब्लॉक में फॉल करेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है हमारे पास चार पांच घर हैं जो हमने अपने अपनी इम्प्लॉयज को रहने के लिए अकोमोडेशन दी हुई है, तो जितनी भी हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या गेस्ट हाउस है उन सबको हम एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, उसको एक ब्लॉक बनाया जाएगा। इस तरीके से हम अपने ब्लॉक्स बनाते हैं, राइट, ओके। दूसरी बात, मैं आपको ये बोल रहा था कि या तो हम असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते नल, या फिर हाफ करते हैं, या फिर अदरवाइज फुल करते हैं। निल कब करते हैं? बहुत इजी है, अगर हमने कोई एसेट परचेस किया बट अभी तक हमने पुट टू यूज नहीं किया, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन जो शुरू होता है वो पुट टू यूज की डेट इंपॉर्टेंट होती है कि हमने कब से उसको यूज करना शुरू किया। तो इन केस अगर हमने कोई भी एसेट परचेस किया है बट अभी तक हमने उसको यूज करना शुरू ही नहीं किया है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन हम उस पर चार्ज नहीं करते, हम वो एक्सपेंस मान ही नहीं सकते ना। इनकम टैक्स ऑफिसर बोल देगा यार आपने ये एसेट परचेस किया बट आप तो उसको बिजनेस में यूज ही नहीं कर रहे, तो किस बात का डेप्रिसिएशन में आपको, गेटिंग इट? तो दैट इज द रीजन हम अगर जब तक वो असेट को यूज नहीं करते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो निल समझ में आ गया, कब कराएंगे लगाएंगे आप? जब कभी आपने यूज किया ही नहीं।
एक बार यूज करना शुरू कर दिया फिर तो आप डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे उसके बाद। हो सकता है कि आपने एक बार यूज करा, एक ही दिन यूज करा, तो हम लोग इनकम टैक्स में या नॉर्मली हम क्या जानते हैं, एक बार जब असेट यूज हो जाता है फिर तो वो पुराना होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप अगले दिन उसको यूज करें या ना करें, थर्ड डे यूज करें ना करें, एक बार आपने यूज किया फिर तो आगे के सारे सब्सिक्वेंट डेज यूज ही माने जाते हैं, करेक्ट। हम ऐसे नहीं देखते कि सर पूरे साल में किस 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 दिन यूज हुआ होगा उसका प्लीज लॉग बुक बनाइए, आज ये मंडे को यूज हुआ है, फिर उसके बाद ये सैटरडे को यूज होगा, फिर ये बाद में यूज होगा, हम ऐसे नहीं करते। जब एक दिन यूज होना शुरू हो गया तो आगे के जितने भी सब्सिक्वेंट डेज हैं वो सब यूज ही माने जाते हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ठीक है, ओके। तो असेट अगर हमने यूज ही नहीं किया कभी, अभी तक हमने यूज में उसको लाए ही नहीं है, ठीक है, उसको हमने यूज करना शुरू ही नहीं करा है, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बट अगर हमने उसको असेट को परचेज किया था ड्यूरिंग दिस ईयर और हमने उसको यूज भी किया था, बट उसको हमने यूज किया लेस देन 180 डेज, एग्जैक्ट 180 नहीं, लेस देन 180, मतलब 179 डेज तक, ठीक है। दो कंडीशन है, अगर आपने उस असेट को सेम ईयर में एक्वायर किया है, सेम ईयर में आपने यूज किया, बट वो यूज आपने जब किया था, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में कहीं में किया था, 10 अक्टूबर से मान लेते हैं करना शुरू किया था, तो अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो 180 पूरे नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो उस केस में हम हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस ईयर 22-23 में फॉर एग्जाम्पल असेट परचेस किया, बट हमने इस साल इसको यूज नहीं किया, तो 22-23 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। हमने इसको यूज करना शुरू करा प्रीवियस ईयर 23-24 में, ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट ईयर 23-24 में फर्स्ट टाइम यूज किया, और कब यूज किया, वो भी आखिरी दिन जाकर, 31 मार्च 2024 को जाकर हमने इसको यूज किया, बिल्कुल आखिरी दिन, यानी कि 22-23 में परचेज हुआ था, यूज नहीं हुआ, 23-24 में भी हमने इसको आखिरी दिन यूज करना, फर्स्ट टाइम हमने इसको पैकेट से बाहर निकाला, यूज करना शुरू किया, कितने दिन यूज हुआ वो, एक दिन। सर हाफ डेप्रिसिएशन 180 से कम है, नहीं, दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या, अगर वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, यानी कि 179 और से कम, प्लस सेम ईयर में एक्वायर हुआ हो, तब हाफ लगता है। क्या प्लीज बताइए, इस साल हमने इसको यूज करना शुरू करा, 180 डेज से कम है, ठीक है, बट क्या वो इसी ईयर में एक्वायर हुआ था? द आंसर इज नो, वो पहले से एक्वायर हो चुका था, यहां पर हाफ नहीं आएगा, यानी कि हाफ लगाने के लिए बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। क्लियर है, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, असेट मस्ट बी एक्वायर्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर व्हेन इट इज यूज्ड, प्लस द यूज शुड बी लेस देन 180 डेज, तब आप हाफ लगाइएगा, राइट। अगर पता चला नहीं सर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, यूज तो शुरू हो गया है बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, फिर हाफ नहीं लगेगा, राइट। फिर अदर केसेस में तो फिर फुल ही लगेगा। अदर केसेस का मतलब, अगर आपने यूज ही नहीं किया, अभी तक यूज ही नहीं किया, नल। फिर सेकेंड है, अगर यूज किया लेस देन 180 डेज प्लस 180 डेज ही सिर्फ याद मत रखना, लेस देन 180 डेज प्लस इट शुड बी एक्वायर्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर, तो हाफ लगाते हैं, बट अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर तो हम फुल ही लगाएंगे, करेक्ट। तो उस केस में जब हमने सेकेंड ईयर में उसको यूज किया जाके बिल्कुल आखिरी दिन, तो उस केस में कितना लगाएंगे? फुल डेप्रिसिएशन, एंटायर, पूरे 12 महीने, 12 महीने का मतलब होता है एंटायर, जो भी रेट है हम उस पर पूरा लगा देंगे। हाफ का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स का मतलब जो रेट है उसका आधा कर देते हैं, निल का मतलब तो जीरो ही होता है, ओके। अब हम अपना डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने डेप्रिसिएशन को ब्लॉक वाइज कंप्यूट करेंगे, ब्लॉक वाइज, राइट, हर ब्लॉक को अलग अलग कंप्यूटेशन करेंगे, अगर हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं। जब मैं SLM के बारे में बातें करूंगा, पावर जनरेटिंग के बारे में, तो मैं वहां पर बोलूंगा अगर आप SLM यूज कर रही है वो पावर जनरेटिंग यूनिट, तो उनके लिए तो इंडिविजुअल असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। बट अगर हम पावर जनरेटिंग असेसी नहीं है, नॉर्मल 99% केसेस में हम WDV मेथड फॉलो करते हैं, और वो भी ब्लॉक के ऊपर, तो हम पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम लोग हर ब्लॉक को अलग अलग रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है 15% वाला, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के भी अलग अलग ब्लॉक हो सकते हैं, 30% वाला अलग हो सकता है, 40% वाला अलग हो सकता है, तो हर ब्लॉक की कंप्यूटेशन का तरीका सेम है, राइट। ये तरीका हर ब्लॉक के लिए सेम है, बट ये आपको हर ब्लॉक के लिए अलग कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। एग्जाम में तो जनरली एक ही ब्लॉक या दो ब्लॉक मैक्सिमम दिए होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 ब्लॉक दे देंगे, बट हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में तो हो सकता है हमारे पास बिल्डिंग के भी 3 ब्लॉक हों, प्लांट मशीनरी के भी ब्लॉक्स हों, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी एक अलग ब्लॉक हो, शिप्स का भी अलग ब्लॉक हो, इंटेंजिबल असेट्स का ब्लॉक हो, तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में तो हमारे पास अलग बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो हर ब्लॉक की कंप्यूटेशन अलग कीजिए। मेथड सेम होता है बट हर ब्लॉक को अलग अलग रखिए, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? सेम कैटेगरी ऑफ असेट्स विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, करेक्ट।
सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्लानर मशीनरी ब्लॉक को देख रहे हैं जो 15% वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम देखेंगे इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी, यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है 23-24 हमारे एग्जाम्स के लिए, तो इस ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी। तो WDV ऑफ द ब्लॉक एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 1 अप्रैल 23 को हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल नया बिजनेस है, इस साल पहली बार शुरू हुआ है, हमने कहीं पर बीच में कहीं पर बिजनेस शुरू किया था, तो WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस केस में जीरो होगी। क्यों? हमारे पास तो ओपनिंग में वैल्यू ही नहीं थी। तो उस केस में डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पर, उस केस पर, तो वहाँ पर जीरो भी हो सकती है अगर हमारा बिजनेस पहले से था नहीं, हमारे पास ये ब्लॉक ही नहीं था पहले से। ऐसा भी हो सकता है बिजनेस तो था बट ये ब्लॉक ही पहली बार आया है, राइट। या फिर नॉर्मली अगर ये ब्लॉक पहले से चला आ रहा था तो हमारे पास एक वैल्यू भी होगी, तो ओपनिंग वैल्यू सबसे पहले रखिए। फिर इस ब्लॉक में अभी डेप्रिसिएशन मत लगाइए, फिर इस ब्लॉक में देखिए क्या हमने ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हमने इस ब्लॉक में कुछ एडिशन किया, क्या क्या हमने कोई ऐसा कोई असेट परचेस किया जो इस ब्लॉक में फॉल करता था, तो उसको उस ब्लॉक का पार्ट बना लीजिएगा। तो जितना भी हमने कोई भी असेट खरीदा है, फॉर एग्जांपल ये मशीन का ब्लॉक था 15% वाला, हमने एक और मशीन नई मशीन हमने खरीदी है उसको इस ब्लॉक का पार्ट बना लीजिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर या एक्विजिशंस ड्यूरिंग द ईयर, उसको पार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने इस ब्लॉक में से कुछ चीजें बेच दी है या डिस्पोज ऑफ कर दी, उसको वहां से हटा दीजिए। तो जितना भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ इसको बेचने में या डिस्पोज करने में, उस अमाउंट को, ठीक है, जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ, मनी रिसीव्ड ऑन सेल और डिस्पोजल, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ उसको वहां से हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लॉक की वैल्यू ओपनिंग थी 10 लाख, आपने एक नई मशीन भी परचेज करी है 4 लाख की, तो आपका टोटल ब्लॉक की वैल्यू इस समय 14 लाख हो गई है, और आपने इसमें से कोई मशीन बेच भी दी थी या डिस्पोज कर दी थी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की, तो 1 लाख को माइनस कर दीजिए, यानी कि आपके पास टोटल अब 10 लाख ऑलरेडी ब्लॉक की वैल्यू थी जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, 4 लाख पर आप डेप्रिसिएशन और लगेंगे 14 पर 1 लाख रुपीज आपको रिसीव हो गए, तो हम आपको सिर्फ 13 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोलेंगे। तो WDV एट द एंड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज 13 लाख। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद फिर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जब इस वाले पॉइंट पर आते हैं डेप्रिसिएशन लगाने पर, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमने कोई ऐसे असेट है जो ड्यूरिंग दिस ईयर एक्वायर किया। सबसे पहले इस वैल्यू में ये देखिए क्या आपने कोई असेट था जो ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया, तो पता चला हाँ सर एक हमारे पास एक मशीन थी जो 4 लाख की थी, वो ड्यूरिंग दिस ईयर एक्वायर की है, वो इसमें एंडिंग बैलेंस में है हमारे पास। तो सबसे पहले उस नई मशीन को देखिए, जो लेटेस्ट मशीन आपने एक्वायर किया या लेटेस्ट असेट आपने एक्वायर करा है, उस असेट को देखिए क्या वो असेट यूज हुआ। पता चला हाँ सर वो असेट यूज हुआ, ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। बट अगर पता चला वो असेट यूज ही नहीं हुआ तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 10 लाख की आपने एक मशीन खरीदी, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख की मशीन नहीं खरीदी थी, 1 लाख की आपने बेच दिया था, ठीक है, वो पैसे मिले आपको, तो आपके पास आया 13 लाख। 13 लाख में से सबसे पहले देखिए जो भी नया असेट इस साल एक्वायर किया था उसको अलग कर लीजिए, तो हाँ सर एक मशीन जो 4 लाख की थी उसको अलग कर लिया, तो 13 में से 4 को अलग कर लीजिए, रिमेनिंग कितना बचा 9 लाख। 9 लाख और रिमेनिंग को अलग रखिए, पहले इस 4 लाख से बातें कीजिए जो आपने अलग किया, जो आपके पास असेट है ड्यूरिंग दिस ईयर एक्वायर हुआ। पूछिए क्या इस 4 लाख वाला जो असेट था क्या ये यूज हुआ, पता चला यूज ही नहीं हुआ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन फिर नहीं लगेगा, 4 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, फिर 9 लाख के ऊपर ही लगेगा, राइट। बट पता चला कि 4 लाख वाला असेट यूज तो हुआ था, एक्वायर भी हुआ था, यूज भी हुआ, पर 179 या उससे कम हुआ, मतलब लेस देन 180 डेज हुआ, तो इसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाफ का मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लॉक का रेट है 15%, तो इसके ऊपर हाफ लगेगा 7.5%, करेक्ट। इसके ऊपर 4 लाख के ऊपर हाफ लगाइएगा, 9 लाख के ऊपर फुल लगाइएगा। बट पता चला कि सर ये तो 180 डेज और मोर यूज हुआ था, तो इसका मतलब 4 लाख पर भी फुल लगाइए, और 9 लाख तो आपको पुराना था उस पर तो फुल लगेगा। दिस इज हाउ यू विल चार्ज योर डेप्रिसिएशन, करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, की अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। आई अंडरस्टैंड आपको ना डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहिए, और मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लासेस शुरू करूंगा तो वहां पर भी मैं आपको ये क्वेश्चंस करा कर दूंगा, ठीक है। और इनफैक्ट कुछ दिन में आपकी इनफैक्ट क्वेश्चन बैंक भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक से, कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने डेप्रिसिएशन आप कैसे कंप्यूट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस।
नेक्स्ट टॉपिक आता है अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है एसएससी, फॉर एग्जांपल वो पहले पार्टनरशिप फर्म था वो अपने आप को कंपनी में चेंज कर लेते हैं, या फिर कंपनी थे वो अपने आप को एलएलबी में चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे? तो बहुत ईजी है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट कीजिए जैसे कोई ऐसा रिकंस्टिट्यूशन हुआ ही नहीं है। पहले नॉर्मली डेप्रिसिएशन कंप्यूट कीजिए और फिर वो जो आपका डेप्रिसिएशन आया है उसको अपोर्शन कीजिए बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले प्रीडिसेसर था, लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म थी और बाद में ये कॉन्स्टिट्यूट होके बन चुकी है अब ये सक्सेसर। तो जब ये जिस दिन ये सक्सेशन हुआ है, जिस दिन ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, आप देखिए प्रीडिसेसर ने कितने नंबर ऑफ डेज इसको यूज़ किया था और सक्सेसर ने कितने नंबर ऑफ डेज उसको यूज़ किया है। आप बिटवीन दीज डेज के अकॉर्डिंगली उसको अपोर्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले वो 300 डेज था, यहाँ पर वो 65 डेज है, तो 300:65 के रेशियो में उसको अपोर्शन कर सकते हैं। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी असेट फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन के बाद एक्वायर हुआ है, कोई भी असेट अगर सक्सेशन के बाद इस डेट ऑफ कन्वर्जन के बाद एक्वायर हुआ है, प्लीज उसको अपोर्शन मत करना, उसको अपोर्शन मत करना, बिकॉज वो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन सिर्फ सक्सेसर को मिलेगा बिकॉज प्रीडिसेसर ने उसको कभी यूज ही नहीं किया था। करेक्ट। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जांपल हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई असेट यूज परचेज किया था बट प्रीडिसेसर सक्सेशन होने से थोड़े दिन पहले ही परचेज किया था, फॉर एग्जांपल हमने 30 डेज पहले परचेज किया था, राइट? तो इसका मतलब अगर वो प्रीडिसेसर ने भी यूज किया तो उसको भी डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। बट प्रीडिसेसर ने कितने दिन यूज किया? 30 डेज। और लेट्स से सक्सेसर ने उसको 60 डेज यूज किया है, तो वो उसका डेप्रिसिएशन प्लीज इसी रेशियो में 30:60 के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करेंगे, राइट? तो सिंपल यहाँ पे बातें हैं, पहले नॉर्मली डेप्रिसिएशन कंप्यूट कीजिए, फिर उसको अपोर्शन कीजिए एज द नंबर ऑफ डेज यूज्ड बिटवीन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, राइट? अगर कोई भी असेट सक्सेसर ने ही परचेस किया था, वहां से ही उसको यूज करना शुरू किया, इसका मतलब प्रीडिसेसर को कोई डेप्रिसिएशन मत दीजिएगा उसका, बिकॉज वो सक्सेसर ने ही एक्वायर भी किया था और यूज भी किया था। बट अगर इस सक्सेशन की डेट से पहले, इस रिकंस्ट्रक्शन की डेट से कुछ दिन पहले ही अगर फॉर एग्जांपल कोई एसेट परचेज किया गया था, उसका तो अपोर्शन करेंगे, बट हाँ प्लीज ये देख लीजिएगा कि प्रीडिसेसर के कितने नंबर ऑफ डेज ऑफ यूसेज आ रहे हैं। करेक्ट। दिस इज हाउ यू विल डू योर अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है पावर जनरेटिंग यूनिट्स का। पावर जनरेटिंग यूनिट्स के बारे में जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि इसमें जो यूनिट्स इंगेज्ड हैं पावर जनरेशन में, अब वो अगर पावर जनरेट करती हैं तो भी एलिजिबल हैं। अगर वो पावर जनरेट प्लस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि जनरेशन वर्ड है वहाँ पर, वो भी एलिजिबल हैं। इफ देर आर एनी यूनिट वो सिर्फ और सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं विदाउट जनरेशन, वो SLM मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि अगर कोई कंपनी ए और बी है, वो जनरेशन कर रही है, जनरेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, SLM उनके लिए अलाउड है। बट अगर देर इज एनी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उसके लिए आप SLM नहीं लेंगे, उनके लिए तो WDP मेथड ही लेंगे। तो मैं बातें कर रहा हूँ ऐसी कंपनीज के लिए। बाय डिफॉल्ट जो इनको डिप्रिसिएशन का मेथड मिलता है वो मिलता है SLM मेथड। बट अगर ये इन द वेरी फर्स्ट ईयर जब इन्होंने अपना बिजनेस कमेंस किया था, उस साल की जब ये रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस समय अगर ये ऑप्ट करना चाहें तो ये WDP मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। बट एक बार कोई भी मेथड इन्होंने यहाँ पर ऑप्ट कर लिया, वो इरिवर्सिबल हो जाता है, वो इरिवोकेबल हो जाता है। उसके बाद आप वापस मेथड अपना चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दिस एसएससी। मतलब अगर कोई कंपनी है तो जब तक वो कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती तब तक तो वही मेथड वो अडॉप्ट करती रहेगी। करेक्ट। तो अगर SLM मेथड, अगर ये WDV मेथड यूज करते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हम लोग जानते हैं कि उसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। बट अगर SLM मेथड यूज करते हैं तो इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, वो सेम रहेगा, फुल हाफ और निल वो तो सेम रहेगा। 180 डेज और मोर यूज़ किया तो फुल डेप्रिसिएशन, 180 डेज से कम यूज़ किया तो हाफ डेप्रिसिएशन प्लस सेम ईयर एक्वायर किया गया हो, और अगर यूज़ ही नहीं किया तो निल डेप्रिसिएशन, वो तो बात सेम रहेगी। बट हाँ, यहाँ पर हम इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और इसके डेप्रिसिएशन के रेट जो अभी हमने पढ़े थे, जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर रेट होते हैं 10%, 5%, 40%, मशीनरी के ऊपर 15% जनरल रेट, 30-40 भी होता है, वो WDV के रेट्स थे, वो रेट्स SLM में नहीं लगते हैं। SLM के रेट्स हमें याद भी नहीं करने होते हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी पूछा जाता है, इनकेस अगर वो पूछा जाएगा तो वो आपको SLM के रेट्स भी देगा, राइट? तो SLM के रेट्स भी देगा, तो वो रेट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम याद करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल में अगर आप ढूंढेंगे रेट्स SLM के, वो आपको मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज वो हमें करने ही नहीं है, राइट? बट हाँ, अगर कोई भी रेट SLM का हमें एग्जामिनेशन में आता है तो हमें वही रेट लगाना होगा।
सकता है। वो जो रेट्स थे वो WDV मेथड के थे, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये SLM रेट मिलता है इनको, और अगर ये चाहें तो ये WDV मेथड चूज कर सकती हैं, बट वो वेरी फर्स्ट ईयर में चूज करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ने SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे, यानी कि इंडिविजुअल असेट के ऊपर, और बाद में ये अपना असेट बेच देते हैं, तो उस जब वो बेचते हैं तो टैक्स में क्या ट्रीटमेंट आएगा। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ, जो नंबर लाइन हमें काफ़ी काम आती है, काफ़ी सेक्शंस में काम आती है नंबर लाइन, इसको आप लोग भी समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। लेट्स से कि हमारा असेट था जो हमने 1,00,000 रुपीज़ का परचेस किया था कुछ साल पहले, तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट लेट्स से 1,00,000 रुपीज़ थी, और इसको हम 2-3 साल तक हम इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं ऑन SLM बेसिस। लेट्स से मैं SLM का रेट का अमाउंट ले लेता हूँ, 1,00,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन था 1 साल का, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको 3 साल हो चुके हैं, तो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 आप लोग जानते हैं SLM में तो सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है हर साल, तो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 आप 3,00,000 इसमें ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। तो प्लीज़ बताइए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, इस समय जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं पूछ रहा, पूछ रहा हूँ रिटर्न डाउन वैल्यू है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज करा आपने किसी भी मेथड से उसको माइनस करने के बाद इस समय इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। तो हम 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 कर चुके हैं, तो इस समय इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 7,00,000 रुपीज़, करेक्ट। 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 3,00,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है पिछले 3 साल में, तो इस समय इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 7,00,000 रुपीज़ की, राइट। अब डिपेंड करता है ये आपने असेट कितने का बेचा, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी थी 10 लाख, इसकी इस समय रिटर्न डाउन वैल्यू 7 लाख। अगर आपने ये असेट बेच दिया है 7,00,000 रुपीज़ से कम का, यानी कि 7,00,000 से नीचे का इस वाली रेंज में, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका लॉस आ जाता है, क्योंकि आप 7,00,000 की चीज़ कम अमाउंट में बेच रहे हैं, यहाँ पर आपका लॉस है, और इस लॉस को हम लोग कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और ये आप अलाउड हो सकता है अंडर सेक्शन 32। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर असेट बेच दिया 5.5 लाख रुपीज़ का, तो 7,00,000 का असेट था जो आपको 5.5 लाख का बेचा, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ का लॉस है, दिस विल बी टर्म्ड एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 में, वो इस साल आप अलाउ कर सकते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32, राइट। इन केस आपने इसको 7,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा का बेचा है, लेट्स से आपने इसको बेचा 8,00,000 का, 9,00,000 का, 10,00,000 का, मतलब आपने इस एरिया में इसको बेचा, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर नहीं बिका, ओरिजिनल कॉस्ट से नीचे बिका है, बट यस WDV से ज़्यादा, यानी कि WDV से ज़्यादा बिका है, इसका मतलब प्रॉफिट तो आया है, राइट, बट ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर नहीं बिका। फॉर एग्जाम्पल 8,00,000 का, 8.5, 9, 9.5, 10,00,000, यहाँ तक बिका है, तो ये आपका प्रॉफिट है, एंड दिस प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट माना जाता है, ये बिजनेस प्रॉफिट, डीम बिजनेस इनकम मानी जाती है अंडर सेक्शन 41, राइट। बिकॉज क्यों ये इसको बिजनेस इनकम क्यों मानते हैं असेट्स बेचने पर, बिकॉज हमने इस पर PGBP में ही डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, इसी वैल्यू के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, हमने PGBP का एक्सपेंस माना था, आज ये इनकम हमारी रिकवर हो रही है, तो ये PGBP की इनकम ही बनती है, राइट। बट अगर आपने इसको 10,00,000 से भी ज़्यादा का बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर का बेच दिया, तो आपका 7,00,000 से 10,00,000 के बीच में ये जो अमाउंट आ रहा है, इतना अमाउंट का तो प्रॉफिट PGBP की इनकम बनेगी, बट ओवर एंड अबव योर 10,00,000 वो आपका कैपिटल गेन में ट्रीट होता है, वो तो हम कैपिटल गेन में पढ़ते हैं, वो सेक्शन 50A लग जाता है इसके ऊपर, तो आपका कैपिटल गेन होगा। तो अगर आपने 10,00,000 से ऊपर का बेच दिया तो आपका कैपिटल गेन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये असेट टोटल बेचा है लेट्स से 13,00,000 रुपीज़ का, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल कॉस्ट 10,00,000 थी, WDV की वैल्यू है यहाँ पर 7,00,000 रुपीज़ की, और आपने ये असेट बेच दिया है 13,00,000 रुपीज़ का, इसका मतलब आपका 7,00,000 की चीज़ 13,00,000 की बिक रही है, तो 13 माइनस 7, यानी कि आपका टोटल 6,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। बट 6,00,000 का प्रॉफिट क्या पूरा का पूरा PGBP का होगा, द आंसर इज नो। यहाँ पर WDV से ओरिजिनल कॉस्ट तक, WDV से ओरिजिनल कॉस्ट तक फॉर एग्जाम्पल 3,00,000 रुपीज़ तो आपके होंगे PGBP, बट 10,00,000 से ऊपर ही आपका कैपिटल गेन होगा, यानी कि 13 माइनस 10, 3,00,000 रुपीज़ का कैपिटल गेन होगा। बट आप जानते हैं कैपिटल गेन में तो हम इंडेक्सेशन भी करते हैं, तो अगर ये असेट डिपेंड करता है नेचर ऑफ असेट कैसा था, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेते हैं, अगर ये 3 साल के बाद बेचा गया तो हो सकता है इंडेक्सेशन भी करना पड़े, तो 13 माइनस 10 अगर शॉर्ट टर्म है तो 13 माइनस 10 कर देंगे, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 13 माइनस 10, बट 10 का इंडेक्सेशन लेंगे, वो बातें हम सेक्शन 50A में हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 50A कैपिटल गेन में हम लोग वो बातें पढ़ेंगे, राइट। तो लोग समझ गए किस तरीके से हम बेचेंगे। इसी तरह जो आगे आएगा साइंटिफिक रिसर्च का असेट, अगर वो आपने बेच दिया तो सेम नंबर लाइन आप बनाकर देख लीजिए, वहाँ से सिंपल आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, 100% डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, चलो उसकी बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको सेक्शन 35 डिस्कस करूंगा, सेम नंबर लाइन के कंसेप्ट से ही आपको समझा दूंगा, ओके। एडिशनल डेप्रिसिएशन सबसे पहले ये जान लीजिएगा, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, अगर आप
डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं यानी कि न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं मिलता। राइट सर, हमारी असेसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, नया खरीदा, फैक्ट्री में लगाया है, ठीक है, इसको हम फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 20%। अरे बॉस, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिजीम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो देयर विल बी नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, दिस इज अलाउड ओनली एंड ओनली अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। समझ में आता है? ओनली अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वहां पर सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिलता है, ठीक है, एडिशनल नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर असेसी ऑप्शनल टैक्स स्कीम फॉलो कर रहा है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? जितना भी आपकी कॉस्ट ऑफ असेट होता है उसका 20% मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपने 180 डेज से कम यूज किया है इसको तो 10% मिलेगा इस साल, 10% मिल जाता है नेक्स्ट ईयर में, करेक्ट। बट हाँ, किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग असेसी को मिलता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तभी आपको मिलेगा। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है या अदर सर्विस वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशन है, तो आपको नहीं मिलेगा। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ऑप्शनल रिजीम, नॉट अंडर डिफॉल्ट रिजीम। दूसरी बात है, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और ये सेकेंड हैंड नहीं होने चाहिए, इट शुड बी ब्रांड न्यू प्लांट एंड मशीनरी, राइट। और ये आपने इंस्टॉल कहाँ पर किया? अपनी फैक्ट्री में, ये अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल किया हो तभी मिल जाएगा। व्हीकल्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट वगैरह के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ओनली न्यू प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्री में इंस्टॉल करें, ऑफिस वगैरह में, प्रोवाइसेस वगैरह में, कहीं गेस्ट हाउस में इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। व्हीकल, शिप्स, एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं मिलता है। और कोई भी ऐसा असेट जिस पर 100% डिडक्शन फेरी फर्स्ट ईयर में मिल जाती है उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं देते हैं। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिल जाता है अगर वो ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हो, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम फॉलो कर रहे हो, तो मना कर दीजिएगा, हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है कि फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारे सेक्शन 30 से लेकर 37 के एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें सबसे लास्ट में खड़ा होता है डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन ये कहता है कि पहले सारे एक्सपेंसेस अलाउ करा दीजिए, फिर बाद में अगर प्रॉफिट सफिशिएंट बच जाए तो डेप्रिसिएशन का नंबर आता है, राइट। और सेम ट्रीटमेंट होता है अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का, और इवन अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, सेम ट्रीटमेंट होता है इनका। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ओके, मैं हम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सीख लेते हैं पहले। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट है, तो पहले जितना भी हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है एज पर सेक्शन 32, और हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट है, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन उससे अलाउ हो जाता है, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनअब्सॉर्ब, देखो नाम से समझ में आ रहा है, अनअब्सॉर्ब, जो एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो इनकेस हमारे पास प्रॉफिट्स हमारे पास बिफोर डेप्रिसिएशन आ रहे हैं 10 लाख रुपीज का, बट हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 12 लाख रुपीज का आ रहा है। तो 10 लाख के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है आउट ऑफ 12 लाख, 10 लाख तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, 2 लाख अनअब्सॉर्ब रह जाएगा। तो हम अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हमारा रह जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? उसको हम फिर किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी, राइट। तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी, और अगर हम इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो नेक्स्ट ईयर भी जाके किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाता है अदर देन सैलरी। वो बातें हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, राइट। और कितने साल तक इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अनलिमिटेड ईयर्स तक। अगर ये हमारा अगले साल सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, फिर हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे 8 साल के बियॉन्ड भी अनलिमिटेड ईयर्स तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो इफ प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट देन डेप्रिसिएशन रिमेन्स अनअब्सॉर्ब्ड। बट बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा, जो बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं, अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हो या ना हो, वो तो आते ही आते हैं, और उसके कारण बिजनेस लॉसेज आ जाते हैं। बट हमारे डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस लॉसेस नहीं आएंगे, वो बोलेगा अनअब्सॉर्ब्ड में रह जाता हूँ, आगे मैं इसको सेट ऑफ करा दूंगा। बट बाकी के जो एक्सपेंसेस, आपके सेक्शन 30 हो गया, 31 हो गया, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 36 में, 37 में, वो सारे एक्सपेंसेस, तो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, वो बोलेंगे हम तो इस साल ही अब्सॉर्ब होंगे, उसकी वजह से लॉसेस आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस लॉसेस। बट डेप्रिसिएशन कहते हैं कि मेरी वजह से लॉसेस नहीं आएंगे, करेक्ट। तो कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी, इस साल हम किसी और से सेट ऑफ कर सकते हैं, फिर सैलरी के अलावा तो किसी से भी हो जाएगा, और अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अनलिमिटेड ईयर्स तक, एंड इट कैन बी सेट ऑफ अगेन नेक्स्ट ईयर भी, ये किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अदर देन सैलरी, राइट। जनरली क्या होता है, जनरली जिस हेड की इनकम होती है अगले साल जाके उसी हेड से होती है, बट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो किसी भी हेड से हो सकता है अदर देन सैलरी। और नॉर्मली ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, ये बातें एक्चुअली सेट ऑफ की है बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दी है।
सबसे पहले हम तो करंट ईयर का जितना डेप्रिसिएशन है पहले उसको सेट ऑफ करते हैं, करंट ईयर का जितना डेप्रिसिएशन हो पाता है। फिर अगर हमारे पास फिर भी प्रॉफिट सफिशिएंट रहते हैं तो फिर हम लास्ट ईयर के बिजनेस लॉसेस को लेकर आते हैं, क्योंकि बिजनेस लॉसेस की लाइफ लिमिटेड होती है, 8 ईयर्स होती है नॉर्मली, तो हम उनको लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हो तो जो भी लास्ट ईयर्स के अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थे उनका नंबर आता है, क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो फिर भी पीछे बैठे क्योंकि उनके पास तो पता है अनलिमिटेड पीरियड है उनके पास। तो हम पहले बिजनेस लॉसेस को करते हैं लास्ट ईयर के, और फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो भी लास्ट ईयर का होता है। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर के पहले साफ, हमेशा जब भी आप पुराने चीज़ें को ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, अभी कभी भी पुरानी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना चाहिए। तो हमेशा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले माइनस कीजिए, फिर देखिए कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो लास्ट ईयर के लॉसेस को लेकर आइए, क्योंकि इनकी लाइफ लिमिटेड होती है। और अगर फॉर एग्जांपल उसके बाद भी आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो उस केस में हम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो भी पुराने ईयर्स का था उसको लेकर आते हैं। ठीक है, ये बातें मैं आपको सेट ऑफ में भी समझाऊंगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 35। बट एक काम करते हैं, इस क्लास को हम यहाँ पर ही यहाँ तक करते हैं, और फिर सेक्शन 35 और आगे फिर हम आगे बातें अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।